हेलो फ्रेंड्स, एम टू मसाला क्लासिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में मिलने वाली महंगी रसमलाई को हम बहुत ही कम खर्चे में और बिल्कुल हलवाई जैसी स्पंजी और सॉफ्ट रसमलाई तैयार करेंगे। मैं गाय की जगह भैंस के दूध की रसमलाई बनाऊंगी, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे समय पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर चलिए रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, जिसको अच्छे से उबालने के बाद में ठंडा किया और इसकी एक बार की सारी मलाई मैंने निकाल दी है। अब 1 कटोरी में 3 चम्मच व्हाइट विनेगर डालेंगे। इसकी जगह आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। देखिए, करीब मैंने आधा कटोरी पानी से भर दी है। इसे रख देंगे साइड से। अब दूध को फुल फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। दूध अच्छे से उबलने लगा है, बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कम से कम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देखिए दूध थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इस दूध का बनाएंगे पनीर। पनीर बनाने के लिए व्हाइट विनेगर और पानी को मिक्स करके रखा था, उसे डालेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं डालना है। विनेगर मिला हुआ पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके जब तक डालना है, तब तक कि दूध अच्छे से फट ना जाए। हम इसी तरह रिपीट करते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा पनीर बनने लगा है। थोड़ा सा विनेगर वाला पानी और डालेंगे। देखिए सारा पानी इसमें पड़ चुका है, इसे भी मिला देंगे। और अब आप देखिए पानी अलग हो चुका है, पनीर अलग हो चुका है। इसका पानी आपको मैं दिखाती हूँ। बस हमें इसी तरीके का पनीर चाहिए। कम से कम 2 मिनट तक पनीर को ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद में एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसमें पनीर को छान लेंगे। छानने के बाद पनीर को कम से कम 5-6 बार पानी से अच्छे से साफ करना है, जिससे जो पनीर में व्हाइट विनेगर का खट्टापन है वो अच्छे से निकल जाए। मैंने पनीर को अच्छे से साफ कर लिया है। इसके बाद पनीर का सारा एक्स्ट्रा पानी निचोड़ के हम निकाल देंगे। पनीर को हमें ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, बस हल्का सा पानी निकाल के इसे साइड से रख देंगे और इसका धीरे धीरे पानी निकलता रहेगा। अब कढ़ाई में मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को फुल फ्लेम पर अच्छे से उबालेंगे। इसे बीच बीच पे चलाते रहेंगे जिससे दूध बाहर ना आए। यहाँ मैंने 8 से 10 केसर के धागे लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म दूध डाल देंगे और इसे रख देंगे हम साइड से, और दूध को फुल फ्लेम पर अच्छे से उबलने देंगे। दूध थोड़ा सा थिक होने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम चीनी। थोड़ी देर इसे और चलाएंगे। आप देखिए दूध को मैंने थोड़ा पतला ही रखा है, जिससे रस मलाई में दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें जो हमने केसर के धागे भिगो के रखे थे उसे डाल देंगे और इसमें डालेंगे चॉप किए हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट और इसे अच्छे से मिला देंगे। रस मलाई में थोड़ा सा और कलर बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर लिया है। ये येलो वाला फूड कलर है। ये 1 पिंच से भी थोड़ा कम ही है। इसको मिला लेंगे पानी में और इसे अब हम दूध में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। हलवाई भी रस मलाई में कलर लाने के लिए येलो फूड कलर का ही इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैंने येलो कलर का फूड इस्तेमाल किया था। अब रस मलाई के लिए दूध तैयार हो चुका है। इसे हम दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। इसके बाद अब चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी लेंगे, जो करीब 250 ग्राम है। अब उसी कटोरी से हम 5 कटोरी पानी डालेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाल दें तो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे हमें एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी चाशनी पक जाए, बस। चाशनी तैयार है। अब इसे हम रख देंगे साइड से और हम पनीर को देखेंगे। पनीर को हम कपड़े से निकाल लेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ, पनीर बिल्कुल ड्राई नहीं है, ये हल्का सा नमी है इसमें। बस हमें इसी तरीके का पनीर रस मलाई के लिए चाहिए होता है।
अब हम पनीर को हाथों की सहायता से इस प्रकार अच्छे से मैश करेंगे। आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट पनीर है, बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं है। बस इसे हाथ की सहायता से इस तरीके से अच्छे से मैश करेंगे। पनीर मैश करते करते बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। अभी हमें इसी तरीके से और करना है। ये देखिए पहले से कितना सॉफ्ट और चिकना हो गया है पनीर। आप देखिए हाथों से हमें इस तरीके से पनीर अच्छे से मैश करना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च को पनीर में अच्छे से मैश कर लेंगे। थोड़ी देर तक हाथों से इसी तरह और मैश करेंगे जिससे पनीर और भी सॉफ्ट हो जाएगा। पनीर अच्छे से मैश हो चुका है। इस तरह आप चेक करिए और देखिए कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए, एकदम चिकना स्मूथ होना चाहिए। बस पनीर का डो तैयार है। अब हम इसको इस तरीके से लंबा सा शेप देंगे और चाकू की सहायता से इसके बराबर पीस कर लेंगे जिससे रसमलाई बराबर साइज की बनेगी। अब इसमें से एक पीस उठाएंगे और इसे हम बॉल का शेप देते हुए हल्का सा दबा देंगे और इसे चपटा कर लेंगे इस तरीके से। और इसके हम देखेंगे किनारों पर कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। यदि आपको क्रैक या हल्की दरारें सी दिखती हैं तो थोड़ा सा और मैश कर लीजिए। देखिए मैंने सारे पीसेस इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो पहले से चाशनी बना के रखी थी उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब इसमें हम सारे पीसेस डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सारे पीसेस डाल दिए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे हम ढक देंगे। कम से कम हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। आप देखिए धीरे धीरे रस मलाई का साइज बढ़ने लगा है। 10 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और अब हम कवर को निकाल देंगे। आप देखिए ये साइज में बिल्कुल डबल हो चुकी है। अब इनको हम पलट देंगे। यदि आपको चाशनी में पानी कम लगे तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएं। इसे पलटने के बाद में हम कढ़ाई को दोबारा ढक देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। आप देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, रस मलाई अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको कढ़ाई में ही ठंडा होने देंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, अभी निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे। रस मलाई ठंडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी स्पंजी और सॉफ्ट बनी है। आपको मैं हाथ से ही दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितना सारा इसमें चाशनी है। और जैसे ही इसको चाशनी में दोबारा डालेंगे और ये दोबारा अपनी शेप ले लेंगे, टूटेंगी नहीं। आप देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है। देखिए है ना सॉफ्ट, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है रसमलाई। अब इनका एक्स्ट्रा चाशनी निकाल देंगे और इनको प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने सारी रसमलाई को प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने पहले से जो रसमलाई के लिए रबड़ी बना के रखी थी उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। रबड़ी को हम सारी रसमलाई पर अच्छे से डाल देंगे। देखिए आप रबड़ी डालने के बाद में भी कितनी सॉफ्ट रहती हैं। ये देखिए है ना कितनी स्पंजी और सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हुई है। कटे हुए पिस्ता और गुलाब की पत्तियों से मैंने गार्निशिंग की है। लीजिए तैयार है बिल्कुल मार्केट जैसी रसमलाई। मिलते हैं हम अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।